अल्लाह फरमाइंदा है और अपना फसल बचावड़ा हो भी तो वाड़ा लाना है, अपनी मेहनत में तरजीह देना है, अपने खून ते पसीने की कमाई मुकद्दम करता है, मगर जब गंदी ते गलीज ज़बान इस्तेमाल करता पे होना है मेरे सोने मुहम्मद के मुतालक, उस वेले सोचा कर के हो सकता है ज़बान इस्तेमाल करदिया 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 इत्थे ही तेरी गिची खुटी जाए, तेरे उत्ते मौत दा वक्त आ जाए। ओए उत्थे ना कोई मौलवी बचावण वाले, ना उत्थे कोई पीर बचावण वाले, ना उत्थे कोई गद्दी नशीन बचावण वाले, ना छोटा है ना वड्डा है, ओए ना कोई आपणा है ना बेगाना है, ना वालदा है ना वालदा है, उत्थे ओना पिछो रोंदिया रोंदिया ही रह जाणा है, तेरे बचावण दी ताकत कहे दे अंदर मौजूद है। इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया बड़ा बदबख्त हो इंसान है जेड़ा आदा है काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने महबूब दा ए फरमान मुबारक है, मगर अल्लाह दे रसूल ने वो हुक्म फरमाया काई नहीं होता, वो जन्नत दी उम्मीद ना रखे बल्कि जहन्नम दे लितरा दी तवक्क रखे, तेरे मेरे उत्ते या तेरे घर उत्ते मेरे घर उत्ते तेरी माँ उत्ते या मेरी बहन उत्ते साढ़े इस मुआशरे के अंदर घर के उत्ते कोई फोकण वाला इल्जाम पिया लांदा होवे इल्जाम तराशी पिया करता होवे अपने ईमान नाल फैसला करे बर्दाश्त हो सी, अब गल ही कोई ना होवे मुड्डो मुड्डो गल जम्मी का ही ना होवे ते एक बंदा गंदी जबान तेरे मेरे घर उत्ते इस्तेमाल पिया करता होवे, जरा अपने दिमाग दी इस हिस नाल सोचे कि अपनी तेरी मेरी माँ उत्ते इल्जाम लगे ते बर्दाश्त नहीं होंदा, भैन उत्ते इल्जाम लगे ते बर्दाश्त नहीं होंदा, पर नानकी या दादकी पीढ़ी उत्ते इल्जाम लगे ते बर्दाश्त नहीं होंदा, ममेर फुफेर पतरेर उत्ते इल्जाम लगे ते बर्दाश्त नहीं होंदा, और क्यों नहीं होंदा वजह क्या है, वो आदा है कि भाई मेरा खूनी ताल्लुक है मेरी रिश्तेदारी है मेरा ताल्लुक है इनां दे नाल, अल्लाह फरमाइंदा है ओए उठे तू अपने प्यो दी रिश्तेदारी ते मुकद्दम रखी है, अपनी वालदा वाला निस्बत ते खानदान दियां ए लैटर ते तू मुकद्दम रखियां, उठे तेन मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा हया नहीं आया जेड़ी तू ज़बान बोले ते आके काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे पुछण ते बुलावण वाला इस दुनिया ते कोई ना होसी, मगर जदा मरसे सब तो पहले मैं अल्लाह तेरे को पुछा दस मेरे मुहम्मद दा हया क्यों रखी। एक मिसाल जिवें अजकल तो हट मेरे मुआशरे के अंदर एक बात मशहूर है भी ए रमजान का आखिरी जुमा पढ़ लिया तो असा बख्शे बख्शाए है, वो मशहूर है या कोई मुड्डो चिट्टा को गल नहीं चाहिए जुमा पढ़ लवे ते तगारी जे तरह टुक्कर खा के बेईमान आया खड़ा होवे ते अल्लाह आके भी जी आया बिस्मिल्लाह विचों दी लगवाई इस जन्नत नो लेना ही ते पहले सहाबा दी जिंदगी दा मुतालिया कर तेरे पता लगे कि अबू बकर सिद्दीक ने इस जन्नत नो किस तरीके नाल हासिल कीता है। अल्लाह हु अल्लाह। चलो बहरहाल मेरा भाई वाहिद किताब है कुरान कलाम अल्लाह जिद्दे कोलो जेड़ी गल च पुछो अल्लाह दी कसम है कुरान दा जवाब वाहिद किताब है कुरान कलाम, मगर इस कुरान दी तासीर ये है कि बंदा अपने सोने महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़बाने मुकद्दस विचों निकले हुए अल्फाज तेरे मेरे खानदान झूठ बोल सकते, आसमान का टूट जाना जमीन का फट जाना ये हो सकता है, मगर मुहम्मद दे होठ विचों अल्फाज निकले ते होवे कूड़ा कोई कूड़ा ये गल कर सकता है सोने मुहम्मद की जबान ये हो सकती। इस वास्ते भाइयो ये असा तुसा जड़िया गल्ला सुनिया हुई हैं कि जेड़ा बंदा पहले दिहाड़े हो सब तो पहले रमजान की खुशखबरी देवे 11 महीने के गुनाह माफ सुनिया हो
अजकल व्हाट्सएप का नैट का दौर है, अजकल यहूदियों दी कहानियां उदे ते आ दियां। एक मौका है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए अल्लाह के रसूल की महफिल में, हजरत अबू हुरैरा भी हैं, बाकी सहाबा भी बैठे, अचानक सोहना महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महफिल दे विचो उठ के ते तशरीफ लेके चले। सहाबा बैठे हां ते मोहम्मद रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़न वाले हां ना, ते असां जिधर पिछे नमाज पढ़दे हां ते पिछो गिट्टे भी ओदे ही खड़ गए हैं, है नाराज ना होवे। मैं ये नहीं कहता भी तुसा मेरी इज्जत करो, इज्जत देने वाला कौन है, दुहान इज्जत कह दी है, बोलो शाबा खुदा का नाम तो मुसलमान ले ही सकता है, कह दी है वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बी अदी कल खई इन्नका अला कुल्ली शय बहरहाल। दो सहाबी निकल पाए सोहरे मुहम्मद की तलाश, तलाश करद्या करद्या एक मौके ते हजरत अबू हुरैरा जी तक पै गई कि सोहना मुहम्मद बाग दे अंदर तशरीफ कर। सज्जे खब्बे दौड़ता रह गया उसने वड़न दी जा कोई ना लभे, मगर थोड़ी देर तो बाद भजदिया धरुकदिया एक खाला आई जिथो पानी उस बाग ने वड़ता आई उथो वड़े विचो, जो सोहने महबूब ने देखा कि यार अबू हुरैरा आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भी यार आज खैर आ रहे क्यों इतना तरीका तो भजदा दौड़दा आना है, तो जो है पूछना तो कौन है सोहना महबूब मोहम्मद पाक, तो जिसने पहले ही पता होवे उसने पूछने की लोड़ है कोई नहीं होती। बहरहाल अल्लाह के पाक रसूल का सहाबी आदे यार रसूल अल्लाह संते खौफ बरपा हो गया, मता कितना ही मुशरक ते मुर्तद ते हथे इमाम अल अंबिया न चढ़ गए होवन, ओते हर वक्त सोने मुहम्मद दी खाते च बैठे रह वेंदे कितना ही साडे रसूल नु नुकसान न पहुंचा दिया। अल्लाह दे रसूल दा दिल बड़ा खुश होया कि मेरे जानिसार मेरी मुहब्बत च तलाश च वधे। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया अच्छा यार एक काम कर, कौन कौन निकले होया, अके यार रसूल अल्लाह सारे भजे होए हैं, इत्थे ते हजरत मुआविया भी दौड़ लाई हुई है, हजरत अबू सुफियान भी है, और सैयदना अली भी है, हजरत अबू हुरैरा है, हजरत उमर है, और जितने भी सहाबा बैठे हैं दौड़ा लगी हुई है। सोहने महबूब ने फरमाया ऐना लैन मुबारक जुत्ती मुबारक मेरी ले जा, ते जेहड़ा जेहड़ा सहाबी मेरी तलाश तेन वेखे ना भी ये तलाश करता खला उसनु मैं मुहम्मद की तरफ जन्नत की बिशारत दे। आखो च सुभान अल्लाह अल्लाह, एक दसो भी घरे वाले दे आखे भी इन्ने लगते हो। हा ये तो तुसा जलनिया ही पौनिया या तुसा अज करने भी है या ये कुछ होना है, कोई मेरे तुसे बड़े चंगे लगते हो जैसे बोलते कोई नहीं हो ना, मैंने भी मौका ला पाई थोड़ा जहा तुम्हारी इज्जत करने का। अल्लाह ने पाक रसूल दा सहाबी भजदा वजदा ते सामने वेख्या कि हजरत उमर आ, तो उमर उमर होया, उमर की जड़ी राह है ना राह वो इंजे फिरी हुई है जिवें सोहने मुहम्मद के हाथ के अंदर तलवार अगो थोड़ी जी फिरी हुई होती है। साढ़े मंडी बाउद्दीन के अंदर एक मकाम है बाबे उमर, शहर का एक दरवाजा है बाबे उमर। सैयदना उमर फारूक का दुश्मन कदे भी उमर दे ना दे थले होना है, तलवार थले होंगे या उत्ते होंगे, मारने वाला उत्ते होंगे या थले होंगे, उत्ते होंगे ना, एक तलवार फंदी खता होवे उस उत्ते होने या थले होने, तलवार हजरत उमर अले ना दी उत्ते होवे ते काले कलर अला थले टप जाए, ये किसी किताब लिखिया होया मर वही सी उतो थले हो ना लगी सी, इतना असर है उमर दे अंदर। अल्लाह के रसूल एक मौके पर फरमाया उमर अल्लाह की कसम तेरे तो जड़ी गली में तू लगता वैंदा होए शैतान पासा परता वैंदा, पर इंदी है या नहीं इस चीज ना मनदे हो है। हजरत उमर जिस गली चो तशरीफ ले जान गुजर जान
उत्थो शैतान कदे टपे आ बोलो नहीं है ओए अल्लाह दे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़ने वाला सहाबी लखा उम्र भी पैदा हो जा पर मोहम्मद ते अंबिया दा सरदार है किसे नबी दी शान दा मुकाबला नहीं कर सकते नबी दा मकाम अपना हुंदा है सहाबी दा मकाम अपना हुंदा है अल्लाह दे वली दा मकाम अपना हुंदा है इस वास्ते अंबिया दे भी मकाम अपने अपने है सारे अल्लाह दे रसूल मगर इज्जत ते मकाम ते अजमत ते शान ते दर्जे अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ किस्म दे नसीब फरमाए दिल कर रसूल फज़ल्ला बाज़हुम अला बाज़ अल्लाह फरमांदा किसे ने थोड़ा दे छड़िया किसे ने चोखा दिता है कोई थोड़ी रोशनी देने वाला सितारा है कोई ज्यादा देने वाला सितारा है इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया हे ने सारे मेरे नबी मगर मकाम ते शान दे एतबार नाल और मेरे सोने मुहम्मद दे शान नाल मेल सकदा हजरत उमर गली विचों गुजर जाए शैतान ओते ना वड़े ओए जिस मुहम्मद उत्ते तरी सिपाहे कुरान नाज़िल होवे ते सरगोते दा खड़का ते लांदी आखे सोने मुहम्मद ते जादू चल गया है सोने मुहम्मद ते शैतान दा असर चल गया है शैतान दा इतना कवि हमला होया है कि मुहम्मद पाक नो चेते ही भूल गए मुहम्मद पाक नो पता ही कोई नहीं घर फातिमा दा है या हजरत महमूना दा है घर फातिमा दा है या सैयदा आयशा दा है घर हफ्सा दा है या हजरत जवेरिया दा है ऐसा पैगंबर मुहम्मद पाक नहीं है अल्लाह फरमांदा ओ बेहया से अदा नूर वल कलम फमा यस्तुरून मा अंता बिनेमति रब्बिका बिमजनून तेरा प्यो ते पागल हो सकदा है तेरी जम्मण वाली मां ते पागल हो सकदी है मगर सुन अल्लाह दा कुरान की आदत है नूर वल कलम फमा यस्तुरून मा अंता बिनेमति रब्बिका बिमजनून मैं जदा अल्लाह कसम चा के आदा मेरा पैगंबर दीवाना ते शायर ते पागल है हजरत उमर गली चो लगे तेरा अकाबिर भी मन्ने शैतान पासा बरता वेंदा है तेरा बुजुर्ग भी मन्ने शैतान रस्ता बता वेंदा है तेरा लीडर भी मन्ने शैतान मुख बरता वेंदा है ते उमर दी इतनी शान है लखा उमर भी जम के आवन सोने मोहम्मद दी शान दा मुकाबला जे उमर लगे ते शैतान गायब हो जांदा है ते जिथे मेरा मोहम्मद पैर च धरे है उथे तेरा भौकण वाला बुजुर्ग तो लानती हो सकता है सोने मुहम्मद ते जादू दा असर अल्लाह पाक लखा ते करोड़ा रहमत करे शेखुल कुरान हजरत अल्लामा अहमद सईद खान साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह खुदा दी कसम है एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार करके कुरान समझा गए हा चलो इस वास्ते जदा सोने मुहम्मद के मुतअल्लिक ज़बान इस्तेमाल करनी हो सोच लिया कर पे कि साडे रसूल का फरमान है भी सही या कोई ना किथे ऐसे गल को याद है तो हैं आज रोजा के तुम्हें खुदा दा वास्ते पिछा ते मैं टुरे अगर के दा ये हाल खावे अल्लाह हु अकबर ताला पाक पैगंबर मुहम्मद पाक ने फरमाया ओ मेरा यार ऐ मेरी जुत्ती ले जा जेड़ा बंदा ते जेड़ा मेरा यार अगो आंदा पे मैं मोहम्मद नो ढूंढदा ढूंढदा ते तलाश करता करता आंदा रहिंदा है ओ मुसलमानो अल्लाह दे कसम है जरा तसव्वुर आप दे दुनिया दे अंदर बन के वेख लवे जे तेरे मेरे घर दे अंदर किसे मां या भैण छोटी वड्डी औरत दा एक नक दा कोकई खड़ी वंजे अपने ईमान नाल फैसला करे सजियो दीयां छातियां मरेंदी है खबियो वे छातियां मरेंदी है वद उन ख्याल आंदा है मैं ता सवेले सवेले छाड़ो ते बोकरा ते दियान मता केदाई ओदे अंदर रल के ते केदाई अरोड़े ते गंदगी दे अंदर न तुर जाए अल मुख्तसर ए है अपनियां सारियां कोशिशां करेंदी है कीमती चीज है जेवर मेरा सोना है जे मेरा गुम गया ते पैसे टके वे जाए ते बर्बाद हो वैसन ओ सारी कायनात बन बनजे सोने ते जवाहरात ते हीरे बन जावन अल्लाह दे कसम है मेरे मुहम्मद थोक दी शान नाल मिल सकदा कोई
इस वास्ते अल्लाह दे पाक रसूल नूं तलाश करदियां 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 हजरत अबू हुरैरा जुत्ती मुबारक फड़ी हुई है आमना दे लाल दे नाल लैन मुबारक वेंदे पए ए ओ नाल लैन नहीं जेड़े तू ते मैं सावियां झंडे उते खल्ला बनाया होंदा ए ओ नाल लैन नहीं क्या मतलब है जे ओ झंडा 8 फुट होए ते लीटर 7 फुट होंदा है जे झंडा 13 फुट होए ते खल्ला 10 फुट होंदा है एडा पैर सोने मुहम्मद रसूल अल्लाह दा कोई नहीं पर दूसरी गल अर्ज करदा जावां केड़ा आई तस्वीर बना बन वाला उठे इन्हां दा पाको जिस मेरे मुहम्मद दी ते तस्वीर नहीं बनाई मेरे मुहम्मद दे हुस्न ते उसने तरजीह नहीं दित्ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दे मत्थे ते उसने तस्वीर च नहीं लै के आंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर दे हाथ दे विचों पानीआं दा मुजज़ा ओदियां पिक्चरां ते वीडियो ते तस्वीरां कोई नहीं बनाईआं ओ मुसलमानो अल्लाह दा वास्ता दंदे के आदा जेड़ा मेरे मुहम्मद दी तस्वीर नहीं बना सकदा जेड़ा मेरे मुहम्मद दे कमालात जेड़े अल्लाह ने कुरान च जिक्र फरमाए अल्लाह फरमांदा है ओही हक वी है ते सच वी है मगर सारे मुहम्मदी तस्वीर कोई नहीं बनाई मेरे मुहम्मद दी ज़ुल्फ़ां दी तस्वीर कोई नहीं मेरे मुहम्मद दे नक दी तस्वीर कोई नहीं और मेरे मुहम्मद दे अग दे नक ते कन ते मुंह दी तस्वीर कोई नहीं मेरे मुहम्मद दी छाती दी तस्वीर कोई नहीं मेरे मुहम्मद दी जुर्रत हिम्मत ताकत वाले बाज़ुआं दी तस्वीर कोई नहीं मेरे मुहम्मद दे कद दी तस्वीर कोई नहीं पुछा इस मोचे दे पत्र कोलो तू केड़ी मेरे मुहम्मद दी जुत्ती सींदा रह गई है कदा तू मेरे मुहम्मद दी जुत्ती दा नाप लिया है इस वास्ते अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है जदा ज़बान इस्तेमाल करनी होवे पहले सोचया कर ये ज़बान देवण वाला कौन है पैर देवण वाला कौन है क़यामत अल दिल होणा है ज़बान तेरी ताले होणा है अली यो मन खतिमो अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना अईदीहिम व तशहदु नौकर नौकर ही होंदा है बाण उच्चे कातल होवे तो बावे हा हा
ਜੇ ਨੌਕਰ ਬਣਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਨੌਕਰ ਬਣ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਫਰਮਾਨੇ ਸਿਆਣਾ ਪਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਇੰਜੇ ਤੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਵੇਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਅਸ਼ਹਦ ਅੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ
सारे लोग जेड़े मैं मुहम्मद की तलाश लगे हो अल्लाह के रसूल की तलाश लगे पाए उन्होंने सारे मैं मुहम्मद पाक दी जन्नत की बिशारत दे दे अगर ये अमल ना भी कर मुसलमानों जिसनों मेरा मुहम्मद जन्नती जाके उस शक रह सकता मगर वे एक जहानत सैयदना फारूक आजम दी हजरत अबू हुरैरा फरमान लगे यार सियाना बन क्योंकि हम उम्र हम जिनस इकट्ठे रहने वाले हिके बिरादरी ते उसे शहर नाल ताल्लुक रखने वाले दोवे रोहमा ओ बैनाम अशिद्दा वलल कुफार रोहमा शाम होवण दिओ सारे कोल
शाम का टाइम आई उस पूरी राया ते कौम ने मुखातिब हो गया बस गया भी जड़ा बादशाह साहब दे घर ते पिछली साइड ते खूह है ना वो पुराना डल जी जिस नाम दे जड़ा वक्त खत्म हो गया होगा सारे इलाके ते सारे मोहल्ले ते सारे जड़ा टाइम हो नहीं गया आ मेरा दिल मुका छड़ी अलविदा जी मानी तुसा नहीं अलविदा इतने हो सारी कौम रात नो अपनिया मज्जा का दुध चो के इस खूह पूरे इलाके ठीक है जी अमन ना वसर तक ना गुलामी रसूल ने मौत भी कबूल है ही नहीं डाल पिंड खूह बादशाह का हुक्म मगर कमाल यह है पूरी कौम का नजरिया पूरी कौम का मंशूर वेख है क्योंकि मिसाल जी होंगी ना एक अजीब होंगी वाकया जो होंगे वो सबक हासिल करना होंगे वो कहानी मकसूद नहीं होंगी वो सारी कौम ने यह सोचा भी यार मैं तो सच्चा दुद्ध बहरहाल यह जी सारी कौम मेरे नाल सजे खबे वसदी पई इन सारिया सजना दुद्ध तो जो मैं 10 किलो पानी में सड़ दिता तो फर्क दुए गुआढ़ी भी आखिया जो मैं 15 लोटे पानी में वगा छड़ा जिथे पूरा इलाका दुद्ध तो सड़ता पाया दुधे फर्क ज्यों वजीर साहब सवेरे उठे तो बादशाह की उंगली फटी हुई तो इंजे पिछली गली चो इंजे लगते खलियान ज्यों वेखे अंदर खूह साहब पूरी पानिया के नाल डल गया हर किसी की सोच आई भी मैं पानी सड़ना बाकी सारे दुध सड़ना है जो थोड़ी भी इंजे की सोच है तो फिर जो गड्डिए चाड़ा हो चल बाहर अल्लाह के पाक पैगंबर का यार आता है छड़ दे जुतियां सोने मुहम्मद पाक दियां रख दे ओ अदा तौबा तौबा मिनते आमना दे लाल ने हुक्म फरमाया मैं मर ता सकदा एक न छोड़ बिल्कुल नहीं सकदा अच्छा ठीक है मैं जनादा पिया छोड़ दे आदे मैं कोई नहीं छड़नी हजरत सैयदना उमर सैयदना अबू हुरैरा इंदे इथो हाथ खतिया ते थोड़ा जिहा थप च मारे हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो गए उमर का थप है अल्लाह अल्लाह ए बर्दाश्त कर सकती है तो उमर की भैन फातिमा ही कर सकती है जिहड़ी सकी भैन खताम दिती है बहरहाल जो होश आई हजरत अबू हुरैरा भज पैन ते सोने मुहम्मद पाक नु वेखिया इंजे अल्लाह दा रसूल वी चौधरी दे चरण नाल सोना मुहम्मद अल्लाह ता ते हजरत एहसान आखिया अहसन मिन कलम तरकत ऐनु अजमल मिन का लम तल दिली सा तो हाटा हुक्म होवे ते अबू हुरैरा ए वजूद ते कुर्बान करा सकदा है
जबान इस्तेमाल मेरे मुहम्मद के मुताले करनी होगी पहले परख ले कर के साडे रसूल का फरमान है भी सही है कोई ना। इतो शुरू किया अल्लाह ने पाक रसूल का यारा दे अल्लाह के पाक पैगंबर एक ऐलान नहीं सुन लो तकरीर थोड़ी को शुरू कर सा हमेशा यह दुहाड़ी मसीत है ना यह दुहाड़े इलाके का मरकज है ये है खुदा का घर है अंगल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाह अहदा ये मसीत किसी की मलकीयत नहीं होनी बल्कि कई घर होंगे खुदा के घर होंगे ऐ चल